हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका एंड वान्याज वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसी हैबिट्स फॉर योर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड किचन। तो जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये किसी से छुपी हुई नहीं है और आप में से ज़्यादातर लोग इसको फॉलो भी करते होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप उसको एक डिसिप्लिन में फॉलो करें। मैं इन टिप्स को इसलिए फॉलो करती हूँ कि जिससे कि मेरी किचन जो है वो क्लीन, ऑर्गेनाइज और हाइजीन फ्री रहे। और सीरियसली फ्रेंड्स, अगर आप इस हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो आप टाइम सेविंग तो करते ही करते हैं, इसके साथ साथ अपनी किचन को क्लीन, ऑर्गेनाइज और हाइजीन फ्री भी रखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इंडियन किचन के अंदर इस तरीके से स्पाइस बॉक्स सभी घरों में होता है। ज़्यादातर हम इसको इसलिए रखते हैं कि हमें कुकिंग के टाइम पे थोड़ा सा इजी हो जाए कुकिंग करने के लिए और सारे स्पाइसेस जो हैं वो हमें एक ही साथ हमें मिल जाएं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद आपके सारे स्पाइसेस जो हैं वो इस तरीके से कंटेनर में गिर जाते हैं। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं नीचे के साइड में, जब भी आप अपने स्पाइस बॉक्स को क्लीन करें उसके बाद आप इस तरीके से पूरे अपने कंटेनर के अंदर नैपकिन पेपर हो गया या टिश्यू पेपर जो भी आपको मिले वो आप इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। और उसके बाद अपने पूरे जितने भी स्पाइस बॉक्स हैं उसको रीफिल करके और दोबारा से रीअरेंज करके आप अपने कंटेनर में रख सकते हैं। आप देखेंगे कि आपने जितने भी स्पाइसेस वगैरह जो हैं वो अपने कंटेनर के अंदर जब आपने रखे हैं, आफ्टर 15 डेज़ के बाद आप जब यूज़ करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जितने स्पाइसेस हैं वो सारे अगेन दोबारा से नीचे इस तरीके से मैसी हो गए हैं, गिर जाते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान रहेगा, ये देखिए, आपने बस आपको क्या करना है, ईजिली आपको नैपकिन पेपर उठाना है और उसको रिमूव कर देना है। अगेन आपको दोबारा से इसी तरीके से आपको टिश्यू पेपर यहाँ पर डालना है और दोबारा से अपने स्पाइसेस को रीफिल कर देना है। तो इस तरीके से आपका कंटेनर जो है वो नीचे से हमेशा क्लीन रहेगा और ऑर्गेनाइज रहेगा। सेम ऐसे ही हर घर के अंदर हमारे पास होती है ओनियन पोटैटो की रैक, जो कि हर घर में ही मिलती है। तो ज़्यादातर हमने देखा है कि जो रैक्स होती है इसके नीचे काफ़ी स्पेस होता है, जिसकी वजह से ये ओनियन पोटैटो का जो डस्ट है या छिकल हैं वो नीचे हर समय फर्श पे गिरते रहते हैं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा एक टिप है कि आप जब भी पोटैटो और जितने भी आपके ओनियन वगैरह हैं उनको जब अरेंज करते हैं उससे पहले आप इस तरीके से नीचे न्यूज़पेपर या फिर टिश्यू पेपर को आप लगा दीजिए, जिससे कि आपके जितने भी ओनियन के छिकल हो गए या पोटैटो का डस्ट है वो आपके न्यूज़पेपर पे ही रहेगा। न्यूज़पेपर या फिर आप नैपकिन पेपर जब लगाते हैं तो उसके दो फायदे हैं। पहला तो यही कि जो डस्ट है वो हमेशा न्यूज़पेपर पे ही रहती है। सेकंड, अगर आपके घर में ज़्यादा मॉइस्चर रहता है या आपके ओनियन पोटैटो इस जगह हैं जहाँ पे मॉइस्चर रहता है तो जितना भी न्यूज़पेपर है वो आपका जितना भी मॉइस्चर रहेगा वेजिटेबल्स के अंदर वो खींच लेता है और आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती हैं और इससे आपका टाइम भी बचता है और आप जिस जगह पर अपने ओनियन पोटैटोज़ को रखते हैं वो एरिया हमेशा क्लीन भी रहता है। और सेम ऐसे ही मैं गार्लिक को भी इस तरीके से बास्केट में अरेंज करके अपनी रैक के अंदर रखती हूँ। डेली रूटीन में हम लोग इस तरीके से वेजिटेबल और फ्रूट्स को कट करते हैं या पील करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जितना भी हमारा वेस्ट है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का उसको इस तरीके से काउंटर टॉप पे आपको नहीं डालना है। या तो आप उसको इस तरीके से किसी भी प्लेट के अंदर पील कीजिए या फिर आप उसको डायरेक्टली बिन में भी कट कर सकते हैं या पील कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचता है और आपका काउंटर टॉप भी हमेशा क्लीन रहता है। तो बाद में आपका जो प्लेट वाला जितना वेस्ट है आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं बिन में। हम जब भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कट करते हैं तो उसके लिए हम लोग ज़्यादातर चॉपिंग बोर्ड और नाइफ्स का ही यूज़ करते हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी आप अपना वर्क जो है उसको कंप्लीट कर लें या अपनी वेजेस को कट करने के बाद आप तुरंत ही अपने चॉपिंग बोर्ड्स को और नाइफ को क्लीन करके रखिए। अगर आप उसको थोड़ी सी देर के लिए भी छोड़ देंगे तो आपके जितने जूसेस वगैरह हैं वो ड्राई होकर चॉपिंग बोर्ड पर ही रह जाते हैं, जिसको कि बाद में क्लीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
तो हार्डली 1 या 2 मिनट्स ही लगते हैं इस तरीके से इसको वॉश करके रखने में। तो आपका चॉपिंग बोर्ड भी हमेशा क्लीन रहता है, और अगर आप इसको हमेशा ड्राई करने के बाद वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका चॉपिंग बोर्ड जो है वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी अपना चॉपिंग बोर्ड यूज़ करें तुरंत इमिडिएटली उसको वॉश करके रखें। सेम ऐसे ही जब भी आप अपने मिक्सचर जार का यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद आप तुरंत उसको वॉश करके रखेंगे। अगर आप इस तरीके से उसको सिंक में छोड़ देते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका जितना भी आप कोई मसाला पीसते हैं या चटनी पीसते हैं तो वो उसके अंदर ड्राई हो जाता है, जिसके बाद उसको वॉश करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और अजीब सी एक स्मेल भी आपके जार के अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई शेक बना रहे हैं या कोई मसाला वगैरह पीस रहे हैं तो इमिडिएटली उसको वॉश करके रखें, जिससे कि आपके ब्लेड जो है वो हमेशा क्लीन रहेगा, स्मेल फ्री रहेगा आपका जार। ऐसे ही आप कोई भी शेक वगैरह बनाते हैं, बड़े जार्स होते हैं, तो उसमें पानी डाल के आप दोबारा से 1 मिनट के लिए आपको मिक्सी ऑन करनी है तो आपका जार जो है आप देखेंगे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो इससे आपका टाइम तो बचता ही बचता है, इसके साथ साथ आपके जार्स जो हैं वो स्मेल फ्री भी रहते हैं और अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। चपाती हर घर में डेली ही बनाई जाती है, लेकिन आपने देखा होगा चपाती बनाने के बाद हमारा जो काउंटर टॉप है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने जब भी आप चपाती बनाएं उससे पहले अपने चकले के नीचे कोई भी किचन टॉवल या फिर आप एक न्यूज़पेपर को अरेंज कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब भी चपाती बनाएंगे और जो हमारा सूखा आटा होता है जो कि काउंटर टॉप पे काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, जिसकी वजह से काउंटर टॉप काफ़ी गंदा भी हो जाता है और उसको बाद में क्लीन करने में भी काफ़ी मुश्किल होती है। तो अगर आप इस तरीके से कोई भी टॉवल को काउंटर टॉप पे लगा के उसके बाद आप चपाती जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जितना भी जो सूखा आटा है वो आपके जो हमने टॉवल बिछाई थी या आप जो न्यूज़पेपर का यूज़ करेंगे वो उसी पे ही रहेगा और आपका काउंटर टॉप जो है वो क्लीन भी रहेगा और बाद में आपको उसको क्लीन करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब भी आप रोटी बनाएं तो उसके नीचे अपने चकले के नीचे इस तरीके से टॉवल या न्यूज़पेपर का यूज़ ज़रूर करें, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और आपका काउंटर टॉप क्लीन भी रहेगा। जब हमारी चपाती बन जाती हैं उसके बाद आपने देखा होगा कि हम लोगों को जितना छोटे छोटे जो डस्ट होती है उसको क्लीन करने में काफ़ी टाइम लगता है, और अगर वो थोड़ा सा इधर उधर रह जाता है जिसकी वजह से आपके किचन में कॉकरोचेज वगैरह भी आने शुरू हो जाते हैं। तो देखा आपने चपाती बनाने के बाद जितना जो डस्ट था वो मेरे इसी कपड़े के ऊपर ही है और काउंटर टॉप जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। तो बहुत ही ईजी है इस तरीके से काउंटर टॉप के ऊपर टॉवल बिछा के चपाती बनाना। आप चाहें तो उसके बाद अपने डस्ट को बिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन रहेगा। आप अपने डेली रूटीन में इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो कीजिए कि आप जब भी खाना बनाने के बाद अपने सामान को या कोई भी आपका आइटम है उसको आप अपने प्लेस पे ही अरेंज करके रखिए, जिससे कि आपका किचन जो है वो तुरंत ही ऑर्गेनाइज हो जाएगा और क्लीन भी हो जाएगा। और ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सामान खाना बनाते समय बहुत सा ऐसा आइटम होता है जो कि आपको अपने काउंटर टॉप पे निकालना ही पड़ता है, तो उसको एट अ टाइम ही अगर आप अपने ही प्लेस पे अरेंज कर देंगे तो आपका किचन जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगा। इसके साथ जब भी हम कुकिंग करते हैं तो हमारे काफ़ी स्पाइस जार हो गए, ऑयल कंटेनर्स वगैरह हैं, जब भी आप उनको अपने प्लेस पे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो उससे पहले आप उसको वाइप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कुकिंग करते समय हमारे काफ़ी गंदे हाथ हमारे कंटेनर्स पे लग जाते हैं। अगर आप इस तरीके से डेली बेसिस पे अपने कंटेनर को वाइप करके रखेंगे तो आपके कंटेनर जो हैं वो क्लीन रहेंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे। और साथ ही साथ जब भी आप कुकिंग करके हटते हैं तो सबसे पहले जितना भी आपका काउंटर टॉप है उसको तुरंत ही आप क्लीन कर लीजिए, कोई भी डस्ट पार्टिकल आपको नहीं छोड़ना है, कोई भी फूड पार्टिकल आपको अपनी गैस पे या स्लैब पे नहीं छोड़ना है। इससे क्या होता है कि आपके जितना भी कॉकरोचेज वगैरह हैं वो सिर्फ इसी ही पार्टिकल्स की वजह से होते हैं। तो इसलिए जब भी आप कुकिंग करें तो अपने कंटेनर्स को और अपने काउंटर टॉप को एट अ टाइम ही क्लीन कर लीजिए। जितना भी फूड पार्टिकल है उसको आप फ्लोर पे मत डालिए, वरना आपको फ्लोर भी क्लीन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्लेट में या बिन में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
कुकिंग करने के बाद आप अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बिल्कुल भी मत इग्नोर कीजिए। और हम लोग जब भी कुकिंग करते हैं तो सबसे मेन पार्ट हमारा चिमनी का ही होता है, तो उसको वाइप ज़रूर कर लीजिए। सिंपली इस तरीके से आप टिश्यू को लेकर के अपनी चिमनी को एक बार वाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना एक्सेस ऑयल आपकी चिमनी के ऊपर रह जाता है वो सारा टिश्यू में आ जाएगा और आपकी चिमनी जो है वो क्लीन रहेगी बिल्कुल, और नेक्स्ट टाइम के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। तो इस तरीके से बिल्कुल वाइप करना मत भूलिए अपनी चिमनी को। और जब आप काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करते हैं साथ ही साथ अपनी चिमनी को ऊपर से भी वाइप कर लीजिए। और हार्डली मुश्किल से हम लोगों को इस तरीके से कुकिंग के बाद काउंटर टॉप क्लीन करने में 5 to 10 minutes लगते हैं और आपका टाइम भी बचता है और आपकी किचन जो है वो क्लीन एंड ऑर्गेनाइज भी रहती है। तो लास्ट टिप है यहाँ पे मेरा फ्लोर मैट को लेके। तो आप किचन के अंदर अपने सिंक के पास या जहाँ पे आप कुकिंग करते हैं वहाँ पे आप फ्लोर मैट का यूज़ ज़रूर कीजिए। सिंक के पास आपने देखा होगा ज़्यादातर पानी जो है वो नीचे गिर जाता है जिससे कि पूरा जो फ्लोर है वो गंदा हो जाता है, तो आप फ्लोर मैट का यूज़ ज़रूर कीजिए। सेम ऐसे ही जहाँ पे आप कुकिंग करते हैं वहाँ पे भी आप मैट का यूज़ ज़रूर कीजिए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे हैबिट्स पसंद आए हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अभी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं अपने चैनल पे होम रिलेटेड वीडियोज़ DIYs शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलती हूं मैं अपनी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।